हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया नोएडा स्टेडियम में सिंगापुर कार्निवल दिखाने। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को नोएडा स्टेडियम में लगे सिंगापुर कार्निवल से सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां का लोकेशन रहेगा नोएडा सेक्टर 21 से नोएडा स्टेडियम का। सामने जो गेट दिख रहा है ना आपको, ये गेट नंबर 6 है और इसी से आपको अंदर आना है। इस तरफ पार्किंग एरिया बनाया गया है। टू व्हीलर के लिए पार्किंग चार्ज 20 रुपए रहेगा और इस तरफ फोर व्हीलर के लिए पार्किंग एरिया बनाया गया है और फोर व्हीलर के लिए पार्किंग चार्ज 50 रुपए रहेगा। तक आने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 16 का होगा। यहाँ से ऑटो या फिर ई रिक्शा लेके यहाँ तक इजीली आ पाओगे। मेले की टाइमिंग के बारे में बात करें तो मेला 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा और रात के 10:30 बजे तक चलेगा। के अंदर एंट्री टिकट 50 रुपए का रहेगा और 3 साल से नीचे के बच्चों का टिकट यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहेगा। मेले का थीम सिंगापुर है तो यहाँ पे सिंगापुर एयरलाइंस का यहाँ पे एक एरोप्लेन का आप डमी देख पाओगे और सामने आप देख पाओगे सिंगापुर का ट्विन टावर। और मेले के अंदर जाने के लिए आप सिंगापुर एयरलाइंस जो है प्लेन के अंदर से जाओगे। मेले के अंदर बहुत ही शानदार यहाँ पे एंट्री बनाया गया है। ये मेला सिंगापुर थीम पर बेस्ड है तो बाहर भी जितने भी पोस्टर वगैरह आप देखोगे सारे के सारे सिंगापुर के आपको दिखेंगे। जैसे मैंने आपको दिखा दिया कैसा है, अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए ये है एंट्रेंस। अभी हम लोग जाएंगे सिंगापुर एयरलाइंस, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर बनाया हुआ है, ये देखो भाई, बिल्कुल प्लेन जैसा फील आएगा आपको। ऊपर फोटोग्राफी वगैरह कर पाओगे, फ्रिज वगैरह भी देखिएगा। इसमें कॉकपिट एरिया बनाया हुआ है, हालांकि ये डमी एरोप्लेन है तो इसके अंदर आप जा नहीं सकते। हम लोग मेले की तरफ आ गए हैं और ये देखो भाई कितना शानदार मेला लगा हुआ है। लाइटिंग देखो कितना शानदार लग रहा है भाई। यहाँ पे बुर्ज खलीफा होगा, आईफिल टावर होगा, फोटोग्राफी करने के लिए कितना अच्छा बनाया हुआ है पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह आप कर पाओगे। इस तरफ बनाया हुआ है सिंगापुर एयरलाइंस, ये डमी एरोप्लेन है। यहाँ से आप उतरेंगे, इस तरह का लाइटिंग आपको देखेगा। इसके अंदर से आप आएंगे तो इस तरह के शॉट, तो इस तरह से सेल्फी पॉइंट बहुत सारे बने हुए हैं। यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए आपको बहुत सारे सेल्फी पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। एक इस तरफ बनाया हुआ है, एक इस तरफ बनाया हुआ है। छोटे बच्चों के लिए ना इस तरह का राइड भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो इस तरह के राइड मिल जाएंगे। यहाँ भी करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ऊंचा आईफिल टावर मिल जाएगा और रात को लाइटिंग के साथ देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इसके साथ फोटोग्राफी करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे फोटो आएंगे। इस तरफ यूनिवर्स बनाया हुआ है, यहाँ पे भी आप फोटोग्राफी कर सकते हो। वाटरफ्लाई होगा, बाकी इस तरफ आपको बुर्ज खलीफा दिख जाएगा। ये देखो बुर्ज खलीफा होगा, बहुत कुछ है इस एरिया में। इधर एक दिल बनाया हुआ है, एक दिल दिखेगा आपको यहाँ पे। इसके पीछे जाके आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। इस तरह का एक पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे, इस तरह का एक पॉइंट देखेगा। बहुत सारे बतेरे पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मून दिख जाएगा, मून के ऊपर बैठ के आप इस तरह से फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे गिफ्ट रखा हुआ है। तो ये वाला जो कार्निवल है फोटोग्राफी करने के लिए सबसे बेस्ट कार्निवल है। अगर आपको फोटो क्लिक करना पसंद है तो आप यहाँ जरूर आओ। एक घर भी बनाया हुआ है लाइट से, कितना प्यारा लग रहा है देखो। वाह, ये इधर देखो पूरा जो एरिया बनाया हुआ है सेल्फी के लिए आप देख सकते हो। सबसे बेस्ट एरिया ये बनाया हुआ है। अभी मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट और यहाँ पे राइड जोन सारे को सारे दिखाता हूँ एक करके। इस तरफ बनाया हुआ है राइड जोन और इस तरफ बनाया हुआ है शॉपिंग जोन और इसके पीछे बनाया हुआ है डायनो पार्क, उसी के साथ आपको फूड कोर्ट भी दिख जाएगा। यहाँ पे कैमल राइड भी कर पाओगे, इसका जो टिकट रहेगा 100 रुपए रहेगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस वाला झूला झूल पाओगे जिसका टिकट 70 रुपए होगा और ये वाला झूला कुछ इस तरह का रहेगा। गोल 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 इस तरह से आपको 5 मिनट तक घुमा के नीचे उतार दिया जाएगा। काफी मजा आता है ये वाला झूला झूलने में। इस तरफ शूटिंग वाला एरिया बनाया गया है, आप बैलून शूट कर सकते हैं। तो 50 के 10 शॉट आप यहाँ पे लगा पाओगे। तो होगा ब्रेक डांस वाला झूला। इस तरफ आप देख सकते हो ड्रैगन ट्रेन वाला राइड भी होगा यहाँ पे। तो इस तरह का राइड रहेगा, ड्रैगन ट्रेन वाला, सुपर ड्रैगन ट्रेन राइड इसका नाम है। अब सुपर ड्रैगन ट्रेन राइड का जो टिकट रहेगा 70 रुपये रहेगा। तो इस तरह के झूले भी आप यहाँ पे झूल पाओगे 40 रुपये 50 रुपये टिकट में। बीच में ना मेले के बीच में इस तरह से ट्रेन राइड भी चल रहा है। पूछते हैं कितने का टिकट रहेगा, कितने का टिकट रहेगा दोस्त टिकट 50 रुपये रहेगा। तो इसका टिकट 50 रुपये रहेगा, 50 रुपये देके आप इस तरह से मेले के बीच में राइड ले पाओगे। तो छोटे बच्चों के लिए वाटर बोट भी लगाया हुआ है बीच में, इतना अच्छा एरिया बनाया हुआ है। तो बच्चे बोटिंग भी कर पाएंगे इसके अंदर आके और बोट भी कुछ यूनिक टाइप का बोट है मैं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे जितने भी झूले हैं ना इनका टिकट 50 रुपये रहेगा। हॉर्स राइड होगा,
इस तरफ ये डक राइड होगा, कैमल राइड का मैंने बता दिया 100 रुपये का टिकट है, ट्रम्पलिन होगा, इसका भी टिकट 50 रुपये रहेगा। यहाँ पे आप कैटरपिलर वाला राइड भी कर पाओगे। अभी पूछ के बताता हूँ इसका टिकट क्या रहेगा। तो बच्चों के लिए ना दोस्तों इस तरह के एरोप्लेन राइड होगा और इसका टिकट यहाँ पे 50 रुपये रहेगा। सलम्बो राइड है और सलम्बो राइड का टिकट यहाँ पे 70 रुपये रहेगा। कैटरपिलर वाला राइड स्टार्ट हो गया है, ये इस तरह का राइड रहेगा कुछ। अब झूले के ऊपर बैठोगे, गोल 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 आपको 2 से 5 मिनट घुमा के उतार दिया जाएगा। ये देखो इस तरह का राइड रहेगा। कैटरपिलर राइड का टिकट यहाँ पे 70 रुपये रहेगा। 70 रुपये देके आप ये वाला झूला झूल पाओगे। और भी बहुत सारे झूले लगे हैं, जायंट व्हील है, इधर कोलंबस वाला झूला है, इधर भूत बंगला है। तो इस तरफ बच्चों के लिए जो मिक्की माउस वाला झूला है ना, ये वाला, इसका टिकट भी 70 रुपये रहेगा। इधर जायंट व्हील वाला जो झूला है, इसका टिकट भी यहाँ पे 70 रुपये रहेगा। इस तरफ कोलंबस वाला जो झूला आपको दिख रहा है ना, ये इसका भी टिकट यहाँ पे 70 रुपये रहेगा। ये देखो भाई इतने ऊपर तक जाता है कोलंबस झूला, सबसे मज़ेदार झूला है कोलंबस झूला। ये देखो इसमें अगर सबसे ज़्यादा मज़े लेना ना साइड में बैठो। और इस तरफ जायंट व्हील वाला झूला होगा, 70 रुपये टिकट देके आप ये वाला भी झूला झूल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे जो हॉन्टेड हाउस है ना, इसका टिकट यहाँ पे 50 रुपये रहेगा। 50 रुपये देके आप हॉन्टेड हाउस के अंदर जा सकते हो और इस तरह के भूत देख सकते हो। अंदर इस तरह के भूत मिलेंगे आपको जो आपको बहुत डराएंगे, बहुत मज़ेदार है। अंदर जाओ, बहुत सारे गलियाँ बने हुए हैं और अंदर से कोई भी आपको हाथ वाथ खींच लेता है, मतलब थोड़ा डरावना है। तो अगर आपको डरना है, मज़े लेना है थोड़ा सा, तो इसके अंदर जा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। राजस्थान का स्पेशल गोला चुस्की होगा, केसर कुल्फ़ी होगा, मलाई कुल्फ़ी होगा, काला खट्टा, ग्रीन खसखस होगा, ऑरेंज, मैंगो, रेड रसबेरी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पी सकते हो। सिर्फ राइड जोन बनाया हुआ है, बहुत सारे राइड है, देखो बहुत सारे, मैंने 20 बोला है, 20 से भी ज़्यादा राइड आपको इस तरफ दिख जाएंगे। और इस तरफ है शॉपिंग जोन, तो अब मैं आपको बताता हूँ शॉपिंग जोन में आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हो। इस तरह का भी एक राइड है, इसका भी टिकट यहाँ पर 50 रुपये रहेगा। छोटा सा मोनो ट्रेन है, तो बच्चों के लिए ये वाला राइड रहेगा, बच्चे ये वाला राइड भी यहाँ पे कर पाएंगे। तो सर इस तरफ रहेगा किंग कॉन्ग एंड डायनासोर पार्क, इसके अंदर आप इस तरह से बहुत सारे डायनासोर और किंग कॉन्ग देख पाओगे और इसका टिकट यहाँ पे 70 रुपीज़ रहेगा। ये रहेगा डायनासोर पार्क का टिकट काउंटर, टिकट यहाँ पे लिखा हुआ है 70 रुपये का टिकट लेना है आपको। फिर आप अंदर जाओगे, फिर अंदर बहुत सारे डायनासोर देख पाओगे, इस तरह से बहुत सारे डायनासोर आपको देखेंगे। तो चलते हैं अंदर, आपको पूरा डायनासोर पार्क दिखाते हैं। तो ये इस तरह का कुछ डायनासोर पार्क के अंदर बनाया हुआ है और बहुत सारे डायनासोर आप अंदर देख पाओगे। वो भाई साहब कितने बड़े बड़े डायनासोर, देखो कितने सारे डायनासोर हैं। डायनासोर पार्क के अंदर आते ही ना आपको इस तरह के बहुत सारे डायनासोर देखने को मिलेंगे और ये साउंड भी निकालते हैं और रोबोटिक है सारे के सारे। ये देखो भाई साहब कितने बड़े बड़े डायनासोर, ये देखो। एक अंडा भी रखा हुआ है, आगे लेकर चलता हूँ। और ये देखो इस तरह का एक डायनासोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डायनासोर है। और इस तरफ जो डायनासोर है ना, ये ह्यूमन है इसके अंदर, ये वाला जो डायनासोर है ये आ जाता है आगे की तरफ। भाई देखो चलता फिरता डायनासोर आपको यहाँ पे देखेगा। तो इस तरह का डायनासोर आपको यहाँ पे देखेगा। ओ भाई, तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये इस तरफ डायनासोर होगा। ये वाला जो डायनासोर है ये भी रोबोटिक है, देखो किस तरह से आवाज निकाल रहा है ये। बिल्कुल रियल वाला फील आएगा आपको, बिल्कुल रियल, जैसे आप डायनासोर है ना बिल्कुल वैसे ही आपको फील आएगा, क्योंकि सारे के सारे रोबोटिक है। और इस तरफ बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक डायनासोर आपको दिखेगा और यहाँ पे जितने भी डायनासोर है ना सारे के सारे रोबोटिक है। ये वाला भी रोबोटिक डायनासोर है, ये देखो पूछ हिलाने लग गया। ये भी बहुत बड़ा डायनासोर है, बहुत ही बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे इस तरह के डायनासोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये भी देखो रोबोटिक है,
ये भी हिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए ना इस तरह से दो अंडे रखे हुए हैं, तो आप डायनासोर के अंडों के साथ भी वगैरह भी ले पाएंगे। भाई ये चलता भी है देखो, चलाओ 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 चलाओ, ऊपर 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 चलाओ। वाओ, शॉप है ना यहाँ पे बच्चों के खिलौने का शॉप है ये छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये देखो छिपकली होगा, बहुत कुछ होगा यहाँ पे बच्चों के लिए, इस तरह की गाड़ियाँ होगा, बहुत कुछ होगा। ये कितने का होगा भैया? 100 रुपये का होगा। इस तरह से बच्चों के लिए फ्लाई ड्रीम्स करके इस तरह का होगा, बहुत कुछ है देखो यहाँ पे, बहुत कुछ आप बच्चों के लिए देख पाओगे यहाँ पे। ये देखो बबल्स निकालने के लिए इस तरह से बबल गन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत कुछ है। मेला आज ही स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे स्टॉल आपको खुले हुए नहीं देखेंगे, बाकी बहुत सारे कुछ ज़्यादातर खुल गए हैं। हाँ, इस वाले शॉप पे भी आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के खिलौने देख पाओगे, स्पाइडरमैन होगा देखो, इस तरह से मास्क होंगे, बहुत कुछ होगा यहाँ पे। अगला जो स्टॉल है ना दोस्तों, ये खादी ग्रामोद्योग की तरफ से है, कुर्ते वुर्ते आप देख पाओगे यहाँ पे, खादी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं। कुर्ते कितने के हैं ये? लॉन्ग 450 का भैया, लॉन्ग वाला 300 का है, ये 450 का है, लॉन्ग 450 का है, और शॉर्ट वाला 300, शॉर्ट वाला 300 का है। कौन सा? हाफ स्लीव शर्ट, फुल स्लीव शर्ट मिल जाएगी। अच्छा, हाफ स्लीव शर्ट, फुल स्लीव शर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। हाफ स्लीव शर्ट्स कितने का है? 300। और फुल स्लीव्स का? वो भी 300 का है। अच्छा अच्छा, इसे कलर वलर नहीं जाएगा? पास्टर होता है, पहले कपड़े को वॉश कराते हैं, उसके बाद स्टिचिंग कराते हैं, उसके बाद से नहीं जाता। और इस तरह से ये ओवरकोट, ये 550 का है, ये 550 का है अलग से। हाँ हाँ अलग से, ये 650 का है, ये 550 का है, ये पूरा सेट 1050 का है, ये पूरा जो सेट होगा 1050 का होगा। ये देखो इस तरह बहुत सारे होंगे, रहेगा इनका शॉप, बहुत कुछ आप यहाँ से खरीद पाओगे, शर्ट होगा, कुर्ते होंगे, ओवर कोट होंगे, काफ़ी कुछ है। बच्चों के लिए भी है देखो, बच्चों के लिए भी कुर्ते होंगे यहाँ पे, शर्ट्स भी होंगे। स्टॉल वगैरह भी आप यहाँ से खरीद सकते हो, इस तरह भी कुर्ते हैं, ये कुछ यूनिक टाइप का लग रहा है। ये देखो इस तरह के कुर्ते भी आप यहाँ से खरीद सकते हो, ये शॉर्ट में होगा, ये लॉन्ग में होगा। कितने कितने हैं? शॉर्ट वाला कितने का है, लॉन्ग कितने का है? ये शॉर्ट 350, वो लॉन्ग 450। शॉर्ट 350, लॉन्ग 450। ओके, ये हज़ार की सेट, हज़ार की सेट है क्या? ये सूट है, सूट। ओके, ये 1000 का सेट रहेगा। इनके पास अलग अलग टाइप के अलग अलग कलर के आपको मिल जाएंगे, भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। लेडीज ड्रेस होगा यहाँ पे भी, बच्चों के खिलौने भी होंगे, इस तरह के ड्रेसेस आप यहाँ से खरीद सकते हो। पापड़ अचार इस वाले शॉप से आप खरीद पाओगे, रेड चिल्ली, पालक चिल्ली, देखो इतने सारे वैरायटी के पापड़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। पूरा जो स्टॉल है ना वो पापड़ का ही है, ये देखो अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पापड़, ऊपर भी लिखा हुआ है क्या क्या है यहाँ पे मिलेगा आपको। डीज बैंगल का शॉप है, तो इस तरह के बैंगल्स आप यहाँ से खरीद पाओगे। ये देखो भाई इनका नाम रहेगा, ये बहुत अलग अलग टाइप के बैंगल्स आप यहाँ से खरीद पाओगे। क्वेयर का शॉप होगा, इस वाले स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये गिफ्टिंग के लिए ये वाला स्टॉल है। देखो भाई इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आप यहाँ से खरीद सकते हो, कैरेक्टर वाले प्रोडक्ट है सारे, फर्निशिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको इस वाले स्टॉल पे मिल जाएगा। मेरा शॉप है साहिल ऑप्टिकल्स करके, तो अलग अलग टाइप के चश्मे आप यहाँ से खरीद पाओगे। ये देखो भाई कितने अलग अलग टाइप के चश्मे हैं। बाकी ये वाला जो स्टॉल है ना, इस स्टॉल से आप कपड़े खरीद सकते हो, लेडीज़ ड्रेसेस वगैरह आप खरीद सकते हो, इस तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ऑप्टिकल्स वाले शॉप से आप कोई भी चश्मा खरीदोगे ना, हर एक चश्मे का जो रेट है वो 100 रुपये रखा गया है, 100 रुपये दे के आप कोई भी चश्मा यहाँ से खरीद सकते हो। अगर घड़ी खरीदते हो तो घड़ी 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये में आप यहाँ से खरीद सकते हो, ये इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शॉप है लेडीज़ एसेसरीज़ का है, ये देखो ये सब आप यहाँ से खरीद सकते हो, क्लिप होगा, हेयरबैन होगा,
इस तरह के प्रोडक्ट्स आप यहाँ से खरीद सकते हो। मद्रासी मेथी, शहद, आंवला, हड़, हरड़ और रोस्टेड आलसी और अजवाइन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो। ये देखो, ये सब यहाँ पे मिल जाएगा। कॉल है राजस्थानी अचार का है। बनारसी साड़ी, बनारसी सूट, बनारसी दुपट्टा, ये सब कुछ आपको इस वाले स्टॉल से मिल जाएगा। एग्जिट पॉइंट पे आपको ये वाला स्टॉल मिलेगा, जहाँ से एग्जिट गया ना, उससे थोड़ा पीछे आपको ये वाला स्टॉल मिल जाएगा। इस वाले शॉप से आप हाथरस की प्रसिद्ध हींग खरीद सकते हो। अलग अलग टाइप की आपको हींग मिल जाएंगे यहाँ पे। 450 का हींग रहेगा और 40 ग्राम का है। 40 ग्राम का है, 200 ग्राम का होगा, बाई वन गेट वन। कितने का ये? 300 का है। गेम जोन इस तरह बनाया हुआ है, 50 के 6-6 आपको बॉल मिलेंगे और इधर 50 के आपको इस तरह के रिंग मिलेंगे 6, और ये गेम आप खेल सकते हो यहाँ पे। इधर रिंग वाला गेम होगा, बॉल वाला होगा, उधर मनोरंजन वाला होगा, 3 गेम यहाँ पे होगा। दोस्तों इस तरफ फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा सा फूड कोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। राजस्थानी फूड खाने को मिल जाएगा, तरह का मशहूर पापड़ होगा, इधर अमेरिकन भुट्टा होगा, पानी मिल जाएगा आपको इस तरफ, हॉट टेस्ट पिज्ज़ा मिल जाएगा आपको इधर। ऊपर की स्टॉल है जहाँ बहुत सारे फास्ट फूड आप खा सकते हो, सारे मेंशन है। ये चाइनीज़ चिली होगा, क्रिस्पी कॉर्न होगा, पास्ता होगा, मोमोज होगा,